यो व्हाट्स अप गाइस, दिस अंशिन बैक इन द वीडियो। तो यार हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि आप किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हो। तो अब आपने पेन ड्राइव बूट तो कर ली और आपने डाल दी विंडो, चलो विंडो भी डाल दी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद। और अब आप चाह रहे हो कि आपकी जो पेन ड्राइव वो फिर से नॉर्मल हो जाए ताकि आपके जो और भी चीज़ें स्टफ हैं आप पेन ड्राइव में डाल सको, ट्रांसफ़र या फिर जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अपनी पेन ड्राइव को अनबूट कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको अपनी पेन ड्राइव को पहले कर देना है फॉर्मेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको सर्च विंडोज़ पे मतलब सर्च करना है कमांड प्रोमोट को, उसे खोलने के बाद यहाँ लिखना है डिस्क DSKPART डिस्क पार्ट और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है लिस्ट डिस्क, और लिस्ट डिस्क लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कर देना एंटर। एंटर होने के बाद यहाँ पर दो डिस्क आएंगी, एक ये वाली जो है आपकी मेन है इसको मत करना है, और ये जो है ये मेरी पेन ड्राइव का साइज है। तो आपको यहाँ पर लिखना है सिलेक्ट SEL सिल DISK डिस्क 1 और कर देना एंटर। तो जो मेरी डिस्क 1 है वो सिलेक्टेड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्लीन लिख देना है, क्लीन लिखने के बाद एंटर मार देना है और एंटर के बाद यहाँ पे लिख देना है एग्जिट। एग्जिट होने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर विंडोज वाला आइकन पे जाके राइट क्लिक करना है माउस का, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा आ रहा होगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट को खोल लेना है। डिस्क मैनेजमेंट खोलने के बाद आपके सामने ऐसा ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर जो आपकी आ रही होगी जो भी पेन ड्राइव का साइज है वो अनलोकेटेड आ रहा होगा, उसको आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है दोबारा से और सिंपली यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो अब जो मेरी पेन ड्राइव वो हेल्दी हो चुकी है, प्राइमरी पार्टीशन में आ चुकी है। और मैं आपको भी दिखा देता हूँ न्यू वॉल्यूम H लिखा आ रहा है, इसका मतलब मेरी जो पेन ड्राइव है वो दोबारा से नॉर्मल पेन ड्राइव बन चुकी है। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर कुछ हेल्प मिली हो, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना करो सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बिल की नागिन निकाली मुन्ना पर डोला अलग ला, बिल की नागिन निकाली मुन्ना पर डोला।